हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करेंगे सीआईबी रिटेल बैंकिंग का मॉड्यूल सी, जो कि मार्केटिंग इन रिटेल बैंकिंग के ऊपर है। तो इसमें टोटल 6 चैप्टर है फ्रेंड्स, जिसमें पहला है मार्केटिंग इन रिटेल बैंकिंग, फिर है डिलीवरी चैनल इन रिटेल बैंकिंग, फिर है डिलीवरी मॉडल्स, फिर है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इन रिटेल बैंकिंग, फिर है सर्विस इन स्टैंडर्ड्स फॉर रिटेल बैंकिंग, और लास्ट है टेक्नोलॉजी इन रिटेल बैंकिंग। तो आज हम लोग देखेंगे हमारा यूनिट 10, जो कि है मार्केटिंग इन रिटेल बैंकिंग के ऊपर। तो मार्केटिंग क्या है फ्रेंड्स? मार्केटिंग इज अ प्रोसेस थ्रू विच अ मार्केटर्स क्रिएट कम्युनिकेशन एंड डिलीवर्स वैल्यू टू द कस्टमर। यानी कि कोई भी प्रोसेस जो कि मार्केटर जो है वो क्रिएट करता है और कम्युनिकेट करता है और कस्टमर को डिलीवर करता है अपना प्रोडक्ट, तो उसी को हम लोग मार्केटिंग कहते हैं। यहाँ पे जो है कुछ डेफिनेशन दिए हुए फ्रेंड्स, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सर फ्रेडरिक सीबॉम ने डिफाइन किया बैंक मार्केटिंग को कि द क्रिएशन एंड डिलीवरी ऑफ कस्टमर सेटिस्फाइंग सर्विसेज एट अ प्रॉफिट टू द बैंक। यानी कि क्रिएट करना और कस्टमर को डिलीवर करना और सर्विसेज को सेटिस्फाई करके बैंक के लिए प्रॉफिट क्रिएट करने को ही हम लोग बैंक मार्केटिंग कहते हैं। और किनिथ एंड्रयू ने डिफाइन किया बैंक मार्केटिंग को कि इट मैचिंग ऑफ बैंक्स रिसोर्सेज विद द कस्टमर्स नीड इन द मोस्ट प्रॉफिटेबल मैनर। यानी कि बैंक का जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको कस्टमर के नीड के साथ मैच करना और साथ साथ प्रॉफिट जनरेट करना। तो किनिथ एंड्रयू डिफाइंस ने बैंक्स रिसोर्सेज को जो है वो डिनोट किया है, और फ्रेडरिक सीबॉम ने क्रिएशन एंड डिलीवरी टू कस्टमर एंड सेटिस्फाइंग सर्विसेज एंड मेकिंग प्रॉफिट टू द बैंक। फिर है एक डेरिक वेंडर वेयर, इन्होंने बोला कि बैंक मार्केटिंग जो है एक प्रोएक्टिव बिजनेस स्ट्रेटजी है जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल के एक्सीलेंस को एम करके किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ फॉलोइंग ये टर्म्स दिए हुए हैं फ्रेंड्स, जहाँ पे कि आप मार्केटिंग को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो है आइडेंटिफाइंग द मोस्ट प्रॉफिटेबल मार्केट्स नाउ एंड इन फ्यूचर। मार्केटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको जो मोस्ट प्रॉफिटेबल मार्केट है जो कि एट प्रेजेंट और इन फ्यूचर के लिए एप्लीकेबल है, उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है। फिर प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड ऑफ कस्टमर को एसेस करना, उसके बाद उसके बेसिस पे जो आपका बिजनेस डेवलपमेंट गोल है उसको सेट करके उसके अकॉर्डिंग प्लान क्रिएट करना, उसके बाद अगर कोई भी इन्वायरमेंट चेंजिंग हो रहा है मार्केट प्लेस में तो उसको अडेप्ट करना। तो ये सारी चीज़ें जो है मार्केटिंग के पहले डिसाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मार्केटिंग इन रिटेल बैंकिंग के क्या क्या स्टेप्स हैं वो दिया हुआ है फ्रेंड। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो मार्केटिंग एनालिसिस, यानी कि आपको सबसे पहले मार्केट और मार्केट इन्वायरमेंट को एनालाइज करना है और उसके क्या क्या स्ट्रेंथ वीकनेस है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, यानी स्वॉट एनालिसिस जो है वो आपको सबसे पहले एनालाइज करना होगा। एनालाइज करने के बाद जो सेकेंड स्टेप है दैट इज प्लानिंग, यानी कि जो भी अपने एनालाइज किया उसको सबसे पहले प्राइमरली फोकस करना है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट को डिफाइन करने में, यानी कि आपका बिजनेस जो है कैसा होना चाहिए, उसका गोल और ऑब्जेक्टिव्स क्या होना चाहिए, और इसी को हम लोग मार्केटिंग प्लानिंग बोलते हैं। और ईच बिजनेस और प्रोडक्ट या ब्रांड के लिए जो हम लोग मार्केटिंग प्लान जो ड्राफ्ट करते हैं उसी ड्राफ्ट को हम लोग ऑफरिंग कहते हैं। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन है जो ऑफरिंग किसको कहते हैं, तो कोई भी मार्केटिंग प्लान फॉर ईच बिजनेस एंड प्रोडक्ट और ब्रांड इज ड्राफ्टेड फॉर मार्केटिंग प्लानिंग इज नोन एज ऑफरिंग। इट इज फॉलोड बाई सेटिंग अप एंड एग्जीक्यूटिव समरी एक्शन प्रोग्राम बजटिंग्स एंड कंट्रोल अप। प्लानिंग में आपका समरी आ जाएगा, उसके लिए क्या क्या एक्शन प्रोग्राम आपने बनाया है वो आएगा, उसके लिए क्या बजट होना चाहिए, कोई अगर प्रॉब्लम हो तो उसको किस तरीके से कंट्रोल करना है, तो ये सारी चीज़ें आपकी प्लानिंग में आएंगी। उसके बाद है मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि आपको कैसे इम्प्लीमेंट करना है आपने जो भी प्लान बनाया है उसको, तो आपको कब कहाँ कैसे और कितना आपको इम्प्लीमेंट करना है, ये सारे मार्केटिंग इम्प्लीमेंट में आएंगे। और ये आपको फोकस करना है ऑन परफॉर्मिंग एक्टिविटीज इन द राइट मैनर। दिस डिपेंड्स ऑन ब्लेंडिंग पीपल कल्चर स्ट्रक्चर डिसीजन एंड रिवॉर्ड सिस्टम। यानी कि आपका जो प्लान है वो आपको किस किस बेसिस पे इम्प्लीमेंट करना है ये आपको मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन में देखना होगा। नेक्स्ट है मार्केटिंग कंट्रोल। मार्केटिंग कंट्रोल यानी जो भी चीज़ें हैं उसको ऑडिट करना, मेजर करना, इवेलुएट करना, रिव्यू करना, ये सारी चीज़ें आपके मार्केटिंग कंट्रोल में आएगी। और ये दो तरह से की जाती है, एक है रिएक्टिव मेथोडोलॉजी और एक है प्रोएक्टिव मेथोडोलॉजी। अभी मार्केटिंग
मिक्स इन रिटेल बैंकिंग से क्या मतलब है? मार्केटिंग मिक्स के जो फंडामेंटल इंग्रेडिएंट्स है रिटेल बैंकिंग में, इसको फ्रेंड हम लोग 7 P's भी बोलते हैं मार्केटिंग के लैंग्वेज में। तो ये क्या क्या है 7 P's? प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। तो चलिए वन बाई वन करके हम लोग देखते हैं ये क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट 7 P's है फ्रेंड्स, इसमें हमेशा क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहला पी जो है वो है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब है कि एनीथिंग दैट हैज द कैपेसिटी टू प्रोवाइड द सेटिस्फैक्शन, यूज एंड रिटर्न डिजायर्ड बाय द कस्टमर। ये हमने पहले भी देखा था फ्रेंड्स कि ऐसा कोई भी चीज जो कि आपके कस्टमर को सेटिस्फैक्शन यूज प्रोवाइड करता है, जो कि उनकी डिजायर है, तो इसी को हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। नेक्स्ट है प्राइस। प्राइस का मतलब है ट्रांजेक्शन कॉस्ट टू बी बॉर्न बाय द बैंक और द कस्टमर, यानी बैंक और कस्टमर जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट बॉर्न करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को या ट्रांजेक्शन को या सर्विसेज को लेने के लिए, तो उसी को हम लोग प्राइस कहते हैं। डिपॉजिट प्रोडक्ट के रेफरेंस में प्राइस जो है वो इंटरेस्ट रेट होता है, और एसेट प्रोडक्ट के भी रेफरेंस में इंटरेस्ट जो है वो बैंक के लिए प्राइस होता है, और जो भी फी या चार्जेस जो बैंक जो है कस्टमर को डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए चार्ज करती है वो भी प्राइस में इंक्लूड होता है। फिर है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब है कि एफर्ट ऑफ द बैंक्स टू रीच द कस्टमर, यानी कि बैंक जो एफर्ट लगाती है कस्टमर तक रीच करने में, उसी को प्रमोशन कहते हैं। प्रमोशन का मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है कस्टमर को विन करना, और जो भी बैंक के प्रोडक्ट और सर्विसेज है वो उनको अवेलेबल करवाना। तो ये कैसे कर सकते हैं? ये थ्रू पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन या पब्लिसिटी के थ्रू जो है आप प्रोडक्ट प्रमोशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्लेस। प्लेस का मतलब है कि बैंक जो है वो अपना प्रोडक्ट कहाँ ऑफर कर रही है, किस जगह ऑफर कर रही है, तो उसी को हम लोग प्लेस कहते हैं। नेक्स्ट है पीपल, यानी कि आप किस तरीके के कस्टमर को जो है बैंकिंग सर्विसेज जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। बैंक के जो कस्टमर और जो स्टाफ हैं वो पीपल में जो है काउंट होंगे। पीपल हु आर डूइंग द मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड ऑल्सो पीपल हु आर द बेनिफिशरीज ऑफ द मार्केटिंग स्ट्रेटजी, मतलब जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी कर रहे हैं यानी कि बैंक, और जो उसके बेनिफिशियरी हैं यानी कि कस्टमर। तो ये जितने भी लोग बैंक से रिलेटेड हैं वो पीपल में इंक्लूडेड होंगे। नेक्स्ट है प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट स्ट्रक्चरिंग एंड डिलीवरी स्टेज, यानी कि आप एक प्रोडक्ट को किस तरीके से बना रहे हैं, किस तरीके से डिलीवर कर रहे हैं, स्ट्रक्चर कर रहे हैं, उसको डेवलप कर रहे हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो उसी को हम लोग प्रोसेस कहते हैं। मेनली जो आउटपुट डिराइव होता है फ्रॉम द प्रोसेस इज डिलीवर्ड इन द एक्सपेक्टेड वे फुलफिलिंग द प्रॉमिस। तो प्रोसेस विल सक्सेसफुल कब होगा? प्रोसेस आपका सक्सेसफुल तब होगा जब आप जो आउटपुट डिराइव करना चाहते हैं वो सक्सेसफुली डिलीवर हो जाए आपके कस्टमर्स को, तो उसको हम लोग सक्सेसफुल प्रोसेस कह सकते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस का मतलब होता है कि इनटेंजिबिलिटी कंसेप्ट ऑफ द बैंकिंग सर्विसेज को टेंजिबिलिटी में डेवलप करना। ये इंक्लूड करता है डेवलपिंग एंड इफिशियंट पैकेजिंग अदर मेजर टू इम्प्रूव द टेंजिबिलिटी, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट के जो है इफिशियंसी को और उसमें जो वैल्यू एडेड सर्विसेज होते हैं उसको इम्प्रूव करना, उसी को हम लोग कहते हैं। जैसे कि सेविंग्स बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट में, रिटेल बैंकिंग ऑपरेशंस में डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, चेकबुक, ये सब प्रोवाइड करना आपका फिजिकल एविडेंस में काउंट होता है। तो सक्सेस ऑफ द 7 P जो है वो क्या चीज़ पर डिपेंड करता है? ओनली बाय द रिस्पॉन्स फ्रॉम द कस्टमर। अगर आपका कस्टमर का रिस्पॉन्स अच्छा है तो इसका मतलब आपके 7 P जो है वो सक्सेसफुल हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो यहीं ख़त्म होता है। ये काफ़ी छोटा चैप्टर था। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।